जी सर, जिवें कि हुण जिहड़े गोल्ड दे रेट वध गए ने, ठीक है, ते 2 तों 3 हज़ार जिहड़े वधे ने, ते किन्ना इफेक्ट देखण नूं मिलेगा कस्टमर्स ते? पै रिहा जी, बिजनेस ते पै रिहा, घरां च पै रिहा, बाकी जिन्हां ने विआह शादियां करनियां, मीडियम क्लास जिहड़े हुंदे आ उहनां नूं। इस टाइम ते टोटल रेट किन्ना है ते पहले किन्ना सीगा गोल्ड दा या सिल्वर दा? पहले तां 650 रुपए तोला सिल्वर सीगी, हुण 700 रुपए तोला हो गई है, ते गोल्ड 53,500 दे करीब है। सोना सीगा 48,800 दे करीब सीगा। ओह लोकी मसी प्रिपेयर हुंदे ने तक लैण नूं। गौरमेंट ने सोचना चाहिए हैगा वा, अगे ही कम कार करोना करके लोगों के ठप्प होए आ, बहुत घट हो चीज़ा गलबात नहीं रही जो पहला गलबात होंदी सीगी बिजनेस दियां। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਪ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हाँ निधि वर्मा, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस। जिवें कि महंगाई की मार लगातार वधदी जा रही है, तो महंगाई जिहड़ी है रुकन का नाम नहीं लै रही, तो हुण इस तों इलावा जिहड़ी असीं गल करिए महंगाई के वधन की, तो महंगाई जिहड़ी है ज्वैलरीज़ ते भी हुण हुई है, तो ज्वैलरीज़ देखा जाए तो गोल्ड की चाहे सिल्वर की ज्वैलरी होवे, सारियां चीज़ां ही महंगीआं हो गईआं ने, फिर चाहे वह महंगाई किसी भी चीज़ तों लैके होवे। हुण जिहड़े गोल्ड के रेट जिहड़े है वधा दिते गए है, 2 तों 3 हज़ार जिहड़े गोल्ड रेट जिहड़े वधे है, तो इस नाल जिहड़ा है दुकानदार ते किन्ना असर पएगा, ज्वैलरी शॉप ते किन्ना असर पएगा, ते उसदे नाल नाल कस्टमर्स ते भी किन्ना असर पएगा, अज असीं इस बारे गलबात करांगे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। जी सर, जिवें कि हुण जिहड़े गोल्ड दे रेट वध गए ने, ठीक है, ते 2 तों 3 हज़ार जिहड़े वधे ने, ते किन्ना इफेक्ट देखण नूं मिलेगा कस्टमर्स ते? पै रिहा जी, बिजनेस ते पै रिहा, घरां च पै रिहा, बाकी जिन्हां ने विआह शादियां करनियां, मीडियम क्लास जिहड़े हुंदे आ उहनां नूं लैण देण दी बहुत दिक्कत हो रही है, बाकी ज्वैलर ते बहुत फर्क पैंदा, लोग कस्टमर थोड़ा जहा रुक जाता है ये आने नाल, क्योंकि लड़ाई लगी हुई है सारे कस्टमर, कई एक पता लग जाता लड़ाई करके रेट बढ़ रहा है वै, रेट बढ़ने लोगों खाण पीन तो बी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही, अगे ही बहुत लोग दुखी है, करोना करके कुछ लोग बहुत औखा चल रहा लोगों का। मैं तो यही कहूँगा भी ये जो ज्वेलरी है रेट बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी ना हर कोई जड़ा वह मीडियम माड़ा बंदा इन पहुँच तो बाहर नहीं होना चाहिए, हर कोई इन कोई लै सके, बच्चों की विआह शादियाँ आराम नाल ईजी कर सके। कि असल में तुम्हें लगता है कि यूक्रेन ते रूस की जी वॉर है ए, इन सब रेट वधन का जरा? हाँ जी, इन्हें बहुत फर्क पै रहा है जी, यदा असर हो रहा वै, लड़ाई का असर सारे पासे वर्ल्ड हो रहा, हर कमां च हो रहा, खास करके गोल्ड का हो रहा, जो गोल्ड महंगा होता है हरेक नूं परेशानी आती, दुकानदार नूं भी आती है, कस्टमर नूं भी आती है, जे गोल्ड सही रेट हो हर कोई रीच तो बाहर नहीं हुंदा लैन देन उन्होंने करना। मैं तो यही कहूँगा ये चीज़ा का गौरमेंट ने सोचना चाहिए हैगा वा, अगे ही कम कार करोना करके लोगों के ठप्प होए आ, बहुत घट हो चीज़ा गलबात नहीं रही जो पहला गलबात होंगी सी बिजनेस दियाँ, साढ़े ट्रेड का नहीं, हरेक ट्रेड में फर्क पिया, गोल्ड तो खास करके फर्क पिया है, जिन्ना महंगा हो जाता उन्नी उन्ना ही काम से ज़्यादा फर्क पैंदा है गोल्ड का। तो इस तरह जो छोटे ज्वैलरी शॉप ने वड्डी, इन्हां दे विच की फर्क पएगा? वड्डियां दी देखिया काफ़ी उन्होंने फर्क नहीं पैंदा, तो छोटे ज्वैलरी शॉप्स वाले नूं किन्ना फर्क पै सकदा? नहीं, फर्क तो दोनों नूं पैंदा है, जिन्नी उन्हां दी सेल हुंदी है उन्नी नहीं हुंदी, कह दें जो मर्जी जिहड़ा मर्जी, लेकिन जो छोटा नूं छोटे लैवल दे वड्डियां नूं वड्डे लैवल फर्क हरेक नूं पैंदा वै, ये जरूरी नहीं हैगा वी छोटे वाले उन्नां ही फर्क पैंदा, पैंदा दोनों नूं, वड्डे शोरूम नूं भी पैंदा, छोटे शोरूम, मीडिया शोरूम, सारिआं नूं पैंदा हुंदा, हरेक दा पॉकेट मनी सारा बजट सारा मतलब ओवर हो चुका हुंदा वै, फर्क हरेक नूं पैंदा जिहड़े मर्जी हो चाहे। तो इस टाइम तो टोटल रेट किन्ना है, तो पहले किन्ना सीगा गोल्ड दा या सिल्वर दा? पहले तो 650 रुपए तोला सिल्वर सीगी, हुण 700 रुपए तोला हो गई है, तो गोल्ड 53,500 के करीब है, तो जो जो सोना सीगा 48,800 के करीब सीगा। वह लोग मसी प्रिपेयर होंगे इन्हें तक लैन, और सलाह करते करते लोग होर बजट लोगों की होर सोच बदल जाती, लोग रुक जाते हैं, ये हरेक न बहुत फर्क पैंदा, तनखावां कटनियां औखे होंगे, घर के खर्चे चलाने औखे होंगे, बाकी बाजार च तो देख लो अजकल माड़ा ही हाल है, जिहड़े मर्जी बाजार चल जाओ सारे कल्पते है, सारे इन्ने खुश नहीं है जो पहला तो होंगे जी, एक तो करोना की मार ने, एक लड़ाई की मार ने बिजनेसमैन मारिया है। तो लगातार जिवें देखिया कि काफ़ी कदे घटते वधते रहते हैं ना गोल्ड के भी रेट, तो किन्ना इफेक्ट पै रहा कस्टमर्स से, तो कस्टमर्स जिहड़े ने आके तुहानू ये सवाल नहीं पूछते कि जिहड़े लगातार इदा क्यों वधदे, इदा कुछ
ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ੋਪ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਉਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।